हेलो व्यूअर्स, COA के लेक्चर के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एड्रेसिंग मोड्स इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जाता है, या तो 3 मार्कर्स में या 5 मार्कर्स में, इवन तो कई बार 6 मार्कर्स में भी पूछा जाता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स के नाम बताने हैं और उनको डिस्क्राइब करना है और सबका एक एक एग्जाम्पल देना है। एड्रेसिंग मोड्स क्या होता है? जब हमने इंस्ट्रक्शन लिखा था तो इंस्ट्रक्शन में हमने क्या बोला था कि उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, डैट इज़ मोड होता है, ऑपकोड होता है और ऑपरेंड का एड्रेस होता है। तो ये उसी मोड्स के बारे में है कि किस किस मोड से हम एक एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। ये 5 ग्रुप्स के आप नाम लिखें और 5 ग्रुप्स को डिस्क्राइब करके उनका एग्जांपल लिख दीजिए, तो ये आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब 5 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। ये हमारे 5 एड्रेसिंग मोड्स हैं। अब पांचों के बारे में हम पढ़ते हैं और पांचों का एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, ये इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये तो ये एग्जैक्ट है कि के अंदर हमको क्या डेटा मूव करना है। ये हमने इसके बगल में इमीडिएटली ही दे दिया है। दिस इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, मतलब क्या डेटा ट्रांसफ़र करना है वो हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो सीधे 20F जो है वो K के अंदर मूव हो जाएगा। दिस इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, जिसमें हम एग्जैक्ट वैल्यू दे दें बगल में कॉमा लगा के, दैट इज़ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू की जगह एक रजिस्टर पास करेंगे, जैसे ये रहा MOV K, B, मतलब B रजिस्टर का डेटा K में मूव करेंगे हम। प्रीवियस में हमने सीधे वैल्यू दे दी थी और इसमें हमने वहाँ रजिस्टर दे दिया, तो ये डिफरेंस है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड और रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में। इमीडिएट में सीधे वैल्यू होगी, रजिस्टर में रजिस्टर होगा जिसके अंदर वैल्यू होगी। नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रजिस्टर से डेटा डायरेक्टली कॉपी हो जाता है। द डेटा इज डायरेक्टली कॉपीड फ्रॉम द गिवन एड्रेस टू द रजिस्टर। अब यहाँ पे यही पॉइंट है कि एक एड्रेस से अभी तक हम क्या कर रहे थे, डेटा भेज रहे थे, जैसे हमने 20F डेटा भेजा, फिर हमने एक रजिस्टर भेजा, अब हम मेमोरी एड्रेस भेज रहे हैं। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमने ये मेमोरी एड्रेस भेजा, तो 5000K पे जो डेटा होगा वो कॉपी होकर रजिस्टर B के अंदर लोड हो जाएगा। इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि इस मेमोरी एड्रेस पे जो डेटा होगा वो इसमें लोड हो जाएगा। तो दिस इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड अगेन ये ऐसा होता है MOV K, B, इसमें क्या होता है कि बी में जो डेटा होगा वो के पे मूव करेगा। अब ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इमीडिएट और रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या डिफरेंस है, रजिस्टर है और यहाँ पे मेमोरी के थ्रू आ रहा है। नेक्स्ट इज इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड मीन्स जहाँ पे हमारा जो डेटा है, जो भी हमको ऑपरेंड निकालना है, वो ऑपरेंड खुद ही हमारे ऑपकोड के अंदर ही छुपा हुआ होता है, मतलब वो उसके अंदर ही मिला हुआ है। कैसे? जैसे कि ये रहा CMP, इसमें हमको ऑपकोड के अंदर ही हमारा इट्सेल्फ मिला होता है ऑपरेंड। CMP के आगे हम जो भी वैल्यू देंगे वो मालूम है कि उसको कंपेयर करना है किसी और से, तो इसके लिए हमको ऑपरेंड बताने की ज़रूरत नहीं होती। सो ये थे हमारे सारे एड्रेसिंग मोड्स। इसको आप ज़रूर पढ़ें ध्यान से। अगर आपको नोट्स एक्सेस करने हैं तो नोट्स हमारी वेबसाइट पर प्रोवाइडेड है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।